नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज में। आज हम लोग 7 जेपीएससी में टिप्स 2 के बारे में बात करेंगे। टिप्स 1 ऑलरेडी आप लोगों को एक महीने पूर्व दे दिया गया था, जिसमें आप सभी को बताया गया था कि आप सभी को एनसीईआरटी बुक पढ़नी है और करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। एनसीईआरटी बुक इसलिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, क्योंकि अभी जो भी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन हो रहे हैं वो धीरे धीरे फैक्चुअल से कॉन्सेप्चुअल की ओर बढ़ रहा है। मीन्स सिर्फ सिंगल फैक्ट बेसिस क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, उसमें डीप कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं और साथ साथ मल्टीपल कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, जिसमें कि 4 या 5 आपको फैक्ट दिए रहेंगे और अगर आप अच्छी तरह से तैयारी करके रखते हैं तभी जाकर आप आंसर कर पाते हैं। तो इसका सिंगल बेस बनता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी अगर अच्छी तरह से आपने पढ़ा है तो आप इतना जान लीजिए, किसी भी लेवल का क्वेश्चन आता है तो आप आराम से कर सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वर्स करेंट अफेयर्स, जो कि मैंने बताया था आपको कि करेंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं। इसलिए पढ़ने हैं क्योंकि आपका जेपीएससी में जो 2 पेपर होता है, GS1 और GS2, दोनों पेपर में करंट अफेयर्स का समावेश है। ठीक है, 10 to 20 marks, 10 to 20 क्वेश्चन जो होंगे वो करंट अफेयर्स रिलेटेड होंगे। इवन जो आप GS पेपर 1 देख रहे हैं, जिसमें कि आपका 90 क्वेश्चन होगा जो आपका जो सब्जेक्ट वाइज होगा GS का होगा, करंट अफेयर्स और जो झारखंड जीके है उसको छोड़ दीजिए, GS पेपर 1 के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कि जो करंट में करंट से संबंधित है। ज्योग्राफी में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जैसे कि जो अभी जो नेचुरल कैलामिटी हुए हैं, नेचुरल डिजास्टर हुए हैं हाल फिलहाल में, उससे संबंधित प्रश्न आएंगे। पॉलिटी में ऐसे प्रश्न आएंगे जैसे कि NRC हो गया, CA हो गया। तो कुल मिलाकर ये कहें कि करंट अफेयर्स का एक मेजर रोल होता है आपके स्टेट पीसीएस हो या UPSC में, तो आपको करंट अफेयर्स पर बहुत अच्छी तरह से फोकस करना है। ठीक है, तो ये 2 टिप्स मैं आपको पहले से दे चुकी हूँ। आज हम लोग बात करेंगे सेकेंड टिप्स की। ठीक है, वो आपका ये 2 चीज मैं बताई थी आपको पहले वीडियो में, जिसमें कि टिप्स 1 था, और आज मैं बता रही हूँ ये टिप्स 2 है, जिसमें कि आज मैं सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर बात करने जा रही हूँ और एक ही आपको टॉपिक देने जा रही हूँ जिसको आपको कवर करना है। वो है आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ने से पहले इसका इम्पोर्टेंस समझ लीजिए। UPSC हो, स्टेट PCS हो, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि UPSC में ऐसा क्यों होता है, तो देखिए UPSC का भी सिलेबस तो वही है। ठीक है, GS वही होते हैं, पॉलिटी हो गया आपका, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स, सब्जेक्ट्स वही हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत हर साल अपग्रेडेशन होता है, मॉडिफिकेशन होता है, कारण कि उसको करंट अफेयर्स उसमें ऐड किया जाता है, जिससे मैंने भी पहले आपको बताया कि हर सब्जेक्ट में करंट अफेयर्स का एक थोड़ा सा इनपुट आ जाता है। ठीक है, अगर 10 क्वेश्चन पॉलिटी के पूछे जा रहे हैं तो वो 10 के 10 क्वेश्चन आपका NCERT या MLF में कहां से नहीं पूछे जाएंगे, उसमें से 7 या 8 क्वेश्चन ही आपको उन बुक से पूछे जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल जो करंट में घटनाएं हुई, NRC, CA जो भी है आपका, ये सब जो करंट में आप चल रहा है ये सब पूछा जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री में भी अगर आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं तो 12 ही क्वेश्चन या 10 ही क्वेश्चन आपको बुक से आएंगे, बाकी 3-4 क्वेश्चन आपको करंट से आएंगे। जैसे कि अभी आपको अयोध्या में खुदाई चल रही है तो आपको कुछ चीजें मिली हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गया आपको जो करंट अफेयर्स के बारे में बात करते, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे थे टिप्स टू में आपका हो जाएगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो होता है आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है UPSC PCS सभी के लिए। इवन आपका अगर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात करेंगे तो आप देखिएगा 50 से 70% सिर्फ रिपीट होता है क्वेश्चन। ठीक है, आप अगर बहुत ज़्यादा डीपली नहीं भी पढ़े हैं, सिर्फ लूसेंट से पढ़ कर गए हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, JSSC, BSSC, तो वो सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आप पढ़ के चले जाएंगे और लूसेंट का बुक तो आपका कवर कर जाता है, और साथ में थोड़ा करंट अफेयर्स, इन तीनों के साथ में ही आपका ये पूरा का पूरा कवर कर जाएगा। तो जो हम लोग अभी टिप्स 2 के बारे में बात कर रहे हैं कि टिप्स 2 में हम लोग को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है बहुत अच्छी तरह से फोकस करना है, बहुत ज़्यादा नहीं वेट रहेगा, 60-70% क्वेश्चन नहीं आ जाएंगे आपको, लेकिन JPSC में आपको 40-50% क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर के,
प्रीवियस ईयर इन द सेंस कि सिर्फ जेपीएससी का क्वेश्चन नहीं होगा उसमें, उसमें यूपीएससी का क्वेश्चन होगा, बीपीएससी का क्वेश्चन होगा, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन होगा, हरियाणा पीसीएस का हो सकता है, छत्तीसगढ़ पीसीएस का हो सकता है, मीन्स किसी भी स्टेट का हो सकता है या यूपीएससी का क्वेश्चन होगा। आपको बस उसको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाना है और पढ़ना है। इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आप कुछ बुक्स हैं मार्केट में प्रीवियस ईयर के अवेलेबल, क्वेश्चन आंसर भी दिया रहता है, इवन उसका आंसर के साथ में उसका डिटेल्स में क्लैरिफिकेशन किया रहता है। उन बुक्स को उठाइए और पढ़िए, जिसमें से कुछ आपका जैसे हो जाता है, दिशा पब्लिकेशन का भी बुक आता है, किरण का भी आता है। और अगर सब्जेक्ट वाइज अगर पढ़ना चाहते हैं तो सब्जेक्ट वाइज ज़्यादा बेस्ट होगा आप उठाइए घटना चक्र का बुक। ठीक है, घटना चक्र का बुक आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं तो अगर मार्केट से परचेज कर सकते हैं तो करीब 1000 से 1200 में आपको जितने भी इसके सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, जिसमें कि आपका हिस्ट्री भी मिल जाएगा, ज्योग्राफी भी मिल जाएगा, पॉलिटी भी मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स भी मिल जाएगा, आपका जो इन्वायरमेंट है वो भी मिल जाएगा, करंट अफेयर्स के भी उसका अलग से आता है, ये सब सारे मिल जाएंगे। तो ये जो आपका घटना चक्र का जो सीरीज होता है उसको पढ़ने से क्या हो जाएगा, उसमें क्या होता है, सबसे पहले एक सब्जेक्ट जो भी आपको टॉपिक उठाया जाता है, ठीक है, जैसे आपको डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, उसका अगर सबसे पहले उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल को आपको उसमें क्लैरिफिकेशन किया रहता है वो क्या है, सारे उसके अमेंडमेंट्स होंगे, जो भी आपको प्रावधान है उसको डिटेल्स में बताया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उससे संबंधित जितने प्रश्न है उसको पूछे जाएंगे, और प्रश्न के साथ हर प्रश्न के साथ जब आंसर दिया रहता है तो एक बॉक्स में उसका डिटेल में ब्रीफिंग किया रहता है। तो इससे क्या हो जाता है कि आपको डिटेल्स में पढ़ने का मौका मिलता है, समझने का मौका मिलता है। सबसे पहले तो आप चीज़ों को पढ़ लेते हैं कि ये चीज़ है क्या, इंट्रोडक्शन हो जाता है आपको उस चीज़ से, क्वेश्चन कौन कौन पूछे गए हैं, किस किस ईयर में पूछे गए, इवन आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन तो एक ही क्वेश्चन आपको 3 बार 4 बार 5 बार अलग अलग स्टेट पीसीएस में पूछा गया है, और कई बार एक ही क्वेश्चन को देखिएगा 4-5 बार पूछा जा चुका है। तो इससे आपको क्या होता है, आपको पता चलता है कि आपको एक्चुअल में कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, कौन सा क्वेश्चन है जो आपको आने की संभावना बन जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं पीटी, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं पीटी, किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अगर उसका प्रीलिम्स का, तो इतना जान लीजिए आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। इवन आपके लिए एक और महत्वपूर्ण इसमें टिप्स बन जाता है कि आप एटलीस्ट आपके पास एक मोटी सी कॉपी रखिए, जिसमें कि आपको जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं बार बार रिपीट हो रहा है, एटलीस्ट उसको थोड़ा थोड़ा करके लिख सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। जैसे कि आपको एक साइड क्वेश्चन है, सेकेंड साइड आंसर है, बस उसको टू द पॉइंट आपको लिखते चले जाएंगे, पूरा डिटेल्स में नहीं लिखना। इससे क्या हो जाएगा आपका कि एक समराइज नोट्स बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, देखिए पीटी के लिए मैं नोट्स बनाने बोल रही हूँ, मैंने पहले मना किया है कि नोट्स नहीं बनाना है, तो नोट्स किसका नहीं बनाना है, एनसीईआरटी बुक्स का नोट्स नहीं बनाना है, लूसेंट के नोट्स नहीं बनाने हैं, कोई भी स्टैंडर्ड बुक के नोट्स नहीं बनाने हैं। ठीक है, पीटी के लिए नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो आपको बार बार देख रहे हैं रिपीट हो रहे हैं उसको छोटे छोटे आप लिख करके आंसर कर उसके क्वेश्चन आंसर को छोटे से समराइज वे में लिख करके आप चाहें तो एक छोटे से पतली से कॉपी को आप एक समराइज नोट्स बना करके कंप्लीट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, उसको सिलसिलेवार तेजी से आपको रिविजन करने में आसानी होगी। ठीक है, और अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं कि जो घटना चक्र का अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो उसको कम से कम 2 से 3 बार उसको रिवीजन कर ले। ठीक है, उसमें आपका नोट्स भी कवर कर जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी कवर कर रहा है, आपको डिटेल्स में चीज़ें समझ भी आ रही है। तो आप एनसीईआरटी पढ़ ही लिए हैं, करंट अफेयर्स पढ़ ही लिए, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सारा अच्छी तरह से अगर आप देख लेते हैं तो नोट्स अगर समराइज वे में बनाते हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपका इतना से कवर कर जाएगा, पीटी आप आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, और मेरे जो वीडियोस ऑलरेडी आ ही रहे हैं, एंशियंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा कुछ दिनों बाद, उसके बाद में आपका मीडिएवल स्टार्ट होगा, फिर मॉडर्न, इस तरह करके मैं आपको धीरे धीरे जेपीएससी और बीपीएससी पीटी का सारा वीडियो डालकर आपको कवर करा दूंगी। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी कुछ महत्वपूर्ण टिप्स मैं आपको
रेगुलरली देते रहूँगी ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छे तरीके से हो सके। और भी कुछ आपको सजेशन चाहिए, आप कुछ हेल्प चाहिए तो आप मुझे जो जो भी वीडियोस हैं उसके नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे मेल आईडी है आपके पास, ठीक है, sarswati@gmail.com या फिर solutionofcivilservices@gmail.com, दोनों में से किसी पर भी आप मुझे मेल करके अपना जो जो भी क्वेरी है आप मुझसे पूछ सकते हैं ताकि मैं उसका समाधान कर सकूँ। और भी आगे मैं और कुछ महत्वपूर्ण वीडियो डालूंगी, और साथ ही साथ मैं जल्द से जल्द कोशिश कर रही हूँ कि आपको जो पैरेलल वे में जेपीएससी पीटी और जेपीएससी मेंस दोनों की तैयारी करवा दूँ। तो जेपीएससी मेंस की भी वीडियो जल्द से जल्द स्टार्ट होंगे, तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए और मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आप सबों के साथ हमेशा जुड़ी रहूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।